पढ़ता है नात पाक जो आका की शान में, मशहूर होके रहता है सारे जहान में। शेरे हिंदुस्तान गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रसूल साहब बलियावी तशरीफ फरमा है। आती है रोज रोज कहा ऐसी हस्तियां, बसती है जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। बेशक सुभान अल्लाह। हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। और जिंदा रहना है तो मीरे कारवा बनकर रहो, इस जमी की बस्तियों में आसमा बनकर रहो, दौरे हक हो तो नसीमे बोस्ता बनकर रहो, अहले बातिल हो तेगे बे अमा बनकर रहो, दोस्तों को पास आओ नूर फैलाते हुए, दुश्मनों को सब्ज गुजरो आग बरसाते हुए, यूं तो पेश आओ जमाने से गुले तर की तरह, वक्त जब आ जाए तो तुम फूल से पत्थर बन जाओ, अम्र की दौर में बन जाओ लटकती डाली, दौरे बातिल में चमकता हुआ खंजर बन जाओ। एक मुसलमान का ये फर्ज बनता है, गली में रहे तो बोले नबी नबी सुभान अल्लाह, मकान में रहे तो बोले नबी नबी, दुकान में रहे तो बोले नबी नबी, अलवत में रहे तो बोले नबी नबी, जलवत में रहे तो बोले नबी नबी, गम के माहौल में रहे तो बोले नबी नबी, खुशी के माहौल में रहे तो बोले नबी नबी, विधानसभा में रहे तो बोले नबी नबी, पार्लियामेंट में रहे तो बोले नबी नबी। गम नहीं है लाख मुखालिफ है जमाने वाले, मेरे आका है मेरी लाज बचाने वाले। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ खतीबे भारत का मुसलमान भारत से इसलिए प्यार नहीं करता कि यहां पैदा हुआ है। सुनो जब बलियावी को बुलाया, भारत की मिट्टी से ईमान वाला सिर्फ इसलिए मोहब्बत नहीं करता कि इसका बाप यहां पैदा हुआ है। भारत की मिट्टी से मेरी वफादारी सिर्फ इसलिए नहीं है कि मेरे दादा की कब्र यहां पर है। भारत से मेरी मोहब्बत सिर्फ इसलिए नहीं है कि लाल किला और कुतुब मीनार मेरे बाप दादा ने बनाया है। अमा यार, सत्ता के लिए भारत से मोहब्बत करने वाले सौदागर हो सकते हैं, भारत भक्त नहीं हो सकते। भारत से तो ईमान वालों ने मोहब्बत उस दिन शुरू कर दिया जिस दिन मेरे मुस्तफा ने मक्के से हिंद का नाम अपने जबाने पाक से लिया। अब तो बोल दो रंग में, आ जाओ रंग में तो आज तकरीर हो जाए, बोल लो। इसलिए आज तो दो चार खुराक उधर भी पड़ेगा, दो चार खुराक इधर भी पड़ेगा, पांच छह खुराक उधर भी पड़ेगा। डॉक्टर वो नहीं है जो मरज समझे बगैर दवा लिख दे। इसलिए जब समझ लिया अदारे शरिया ने कि मेरी कौम का असली मरस क्या है, तब इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का कारवां निकला। और जिधर से गुजर गया है उधर बलियावी कह रहा है कि हिम्मत है तो डीजे लेके जाओ बारात, बच्चे हिसाब कर देंगे। तो अब क्लियर हो जाए, सुनने का मूड बन गया है सबका, सब लोग स्टेज वाले भी एक बार स्टेज वाले धीरे से कह दें सुभान अल्लाह। दूर से तो आए हम जान रहे हैं, हम कहां नजदीक से आए। जहन करीब करो मुसलमान, इस वक्त पूरी दुनिया में जंग चल रही है। तकरीर सुनो नहीं देखो,
शायरे इस्लाम डॉक्टर अख्तर परवाज हबीबी और बलियावी की खुशबख्ती की पीर तरीकत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नौमान कादरी कलामी और मुअज्जज़ उलमा के बीच ढलती हुई रात में नस्लों का नक्शा लेकर बैठा है। इसलिए स्टेज वाले अगर समझ में बात आवे तो बोल देंगे। वैसे मैं समझता हूं कि अच्छी बातें समझाने के लिए कई बार कोशिश करनी पड़ती है, और यह भी तय है कि ना समझों को बलियावी की बात जल्दी समझ में आ जाती है। समझदार जब तक कीड़ा सौ नहीं ढूंढेगा तब तक नहीं समझ में आती। ज़हन हाजिर कीजिएगा। पूरी दुनिया के कुफ्र के ब्रिगेडियर लगे हुए हैं, कि आखिर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला कैसे। बोलेंगे तो बोलूंगा। बलियावी को बुलाना आसान है, तकरीर कराना आसान नहीं। बोलेंगे तो बोलूंगा। तवज्जो चाहूं अहले से। पूरी दुनिया में शोध हो रहा, तहकीक हो रही है कि आखिर इस्लाम फैला कैसे। हुक्मरानी कुफ्र की थी, इस्लाम का सूरज निकला कैसे। दौर कुफ्र का था, इस्लाम का चांद चमका कैसे। घर घर के बने हुए माबूद हर घर में खड़े थे। तवज्जो चाहूं। अगर स्टेज वाले डरे नहीं हैं तो सुने। तवज्जो चाहूं हजरत। घर घर के माबूद घर घर में खड़े थे, वल्लाह के महबूब थे जो मक्के में पड़े थे। तवज्जो चाहूं। तब बलियावी कहता, मेरा माबूद वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो, मेरा माबूद वो नहीं जिसे बंदा बनाता हो, मेरा माबूद तो वो है जो बंदों को बनाता है। मेरा माबूद वो है जो बंदों को बनाता है। तब बलियावी कहता, सूरज माबूद नहीं, सूरज बंदों के लिए। चांद माबूद नहीं, चांद बंदों के लिए। पानी माबूद नहीं, पानी बंदों के लिए। हवा माबूद नहीं, हवा बंदों के लिए। आग माबूद नहीं, आग बंदों के लिए। पानी माबूद नहीं, पानी बंदों के लिए। पहाड़ माबूद नहीं, पहाड़ बंदों के लिए। तब बलियावी कहता, अरे वो किसी और का खुदा होगा जो तस्वीरों में रहा करता है, ईमान वालों का खुदा सिर्फ तसव्वुर में रहा करता है। तस्वीर उसकी बनती है जो दिखाई भी देता हो, जिसकी शक्ल भी हो, जिसकी सूरत भी हो, जिसकी शक्ल भी हो, जिसकी सूरत भी हो। और मेरे खुदा की शान करे कुरान बयान, कुल हुवल्लाहु अहद। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। क्या कहा? अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये आपके बोलने की जगह थी, धक्का ना देना पड़े, बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। अब मैं आप ही से पूछ लूं कि हम लोग बंदे किसके। अरे बोलो ना, बंदे किसके। हमारा राजी कौन, मेरा खालिक कौन,
मेरा मालिक कौन, मेरी जिंदगी किसके कब्जे में, मेरी सांसें किसके कब्जे में, हमें खिलाता कौन है, हमें पिलाता कौन है, हमें सेहत कौन देता, अल्लाह। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, एक इल्मी नुक्ता आ गया मौलाना, मैं आपका नाम भूल गया, मौलाना रहबर रजा, मौलाना साहब कहां आ गया, ये मेरा वो संजीदा और कम सुखन आलिम है, बोलते कम है करते ज्यादा है, मोहब्बत से बोल लीजिए। अल्लाह अहले इल्म की तवज्जो चाहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ डॉक्टर साहब। जब डिसाइड हो गया कि रब मेरा अल्लाह, खालिक मेरा अल्लाह, तो परवरदिगार अपने बंदों से अपनी बात खुद क्यों नहीं कहता, अपनी बात मेरा रब बंदों से खुद क्यों नहीं कहता। तो मान लीजिए कुछ कहना हुआ मौलाना रहबर को, हजरते मौलाना सैयद नौमान साहब कलामी को कुछ कहना था, तो मौलाना सैफ ने कहा कि अगर उनसे कहने में हिचकिचाहट है तो अख्तर परवाज को कह दीजिए, दोनों में बड़ी बनती है। सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं अहले इल्म, सुभान अल्लाह, इरशाद, दोनों में बहुत बनती है, ये जोड़ुआ पुस्तकार्ड है, सिक्के के दो रुख, सिक्का एक ही है, इनसे कहें तो उन तक, उनसे कहें तो इन तक, ए अल्लाह बंदे हम तेरे, रज़ाक तू मेरा, बंदे हम तेरे, खालिक तू मेरा, ए अल्लाह अपनी वहदानियत की बात अपने बंदों से खुद क्यों नहीं कहता। कब बोलोगे, अरे बोल दो ना, बोल दो जोर से, अपने बंदों से खुद क्यों नहीं कहता, तो मेरा खुदा बंदों से डायरेक्ट खुद कुछ नहीं कहता, मेरा खुदा बंदों से डायरेक्ट खुद कुछ नहीं कहता, इसलिए कि मालूम है कि ये बंदे वो हैं जो रब कहेगा कुछ मिला देगा कुछ, रब कहेगा कुछ मिला देगा कुछ, इसलिए बंदों की मिलावट से बचाने के लिए रब ने महबूब का इंतखाब कर दिया। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। कुल हुवल्लाहु अहद, ये महबूब कह दीजिए, बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, क्या कहा, ये महबूब आप कह दीजिए, ए हबीब आप कह दीजिए, महबूब मक्के वालों से कह दीजिए, हबीब मदीने वालों से कह दीजिए, महबूब जो आप पर कूड़े डाल रहे उनसे भी कह दीजिए, हबीब ताइफ में जो आप पर पत्थर मार रहे उनसे भी कह दीजिए, महबूब जिसने तवाफे काबा से आपको रोका है उनसे भी कह दीजिए, महबूब जिसने राह में कांटे डाले हैं उनसे भी कह दीजिए, महबूब कह दीजिए कुरैशी से, महबूब कह दीजिए हाशमी से, महबूब कह दीजिए अब्बासियों से, महबूब कह दीजिए मक्की से, हबीब कह दीजिए मदनी से, महबूब कह दीजिए ताइफ वालों से, क्या कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, महबूब कह दीजिए अल्लाह एक,
कब बोलोगे यार, बोल दो बोल दो। अरे जोर से जोर से। अब बलिया भी कहता मेरे रब की बेदानियत देखने के लिए महबूब की मोहब्बत का चश्मा लगाना पड़ेगा। जब तक हबीब की अकीदत का एहतराम का चश्मा नहीं लगेगा तब तक रब की वहदानियत न दिखेगी, न दिखेगी, न दिखेगी। तब इस्लाम को रोकने के लिए एक बहु बहु प्लानिंग इंटरनेशनल नक्शा बना। रोको इस्लाम को, मक्के से बढ़ने मत दो, मदीने में दाखिल होने मत दो, मक्के से आगे निकलने मत दो, अरब के रेगिस्तानों से उबूर मत करने दो, इसे निकलने मत दो। मक्के में आ गया यही घेर लो, मदीने में पहुंच गया यही दफन कर दो, लेकिन कुर्बान जाबो मक्की मदनी नूर पार। रब के हुजूर ने फरमाया कुफर वालों, अरे जिस काबे पर कब्जा कर रखे हो वो काबा भी तुम नहीं बचा पाओगे। अल्लाह के परिंदों ने कल जब अबाबील उतर गए तो अबरहा के चुंगल से उतार लिए, अब रसूल उतर गए हैं तो पूरी दुनिया के कुफर से बचाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।